आदाब और नमस्कार, मैं हूं सुल्तान कुरैशी और आप देख रहे हैं भिवंडी समय न्यूज। तो चलिए आज बात करते हैं वार्ड नंबर 5 की। वार्ड नंबर 5 का वो रोड जो पिछले 20 सालों से अनाथ था, यानी उसे पूछने वाला कोई नहीं था, लेकिन आज मलिक किताबी ने उसको उस पर नज़र डाली और उस पर रहम करम किया, यानी उस रोड को बनाने की कोशिश की है। और उस रोड को बनाने के जब जा रहे हैं वो लोग, तो पूरे के पूरे उस इलाके के लोग बहुत ही खुश नज़र आए हैं। कुछ लोगों ने हमें अपना बाइट भी दिया है और उनकी तारीफ़ में भी कहा है कि पिछले 20 सालों से इस रोड को किसी ने नज़र उठा कर भी नहीं देखा। और आज मलिक मोमिन ने अपनी नगर सेविका नगर सेवक होते हुए भी उन्होंने इस रोड को जिस तरीके से देखा और जिस तरीके से बनाया, इसलिए वहाँ के लोग मलिक मोमिन का बहुत बहुत शुक्रिया अदा भी कर रहे हैं। और उन्होंने हमें बताया कि पिछले 20 साल से ये जो है यतीम पड़ा हुआ था, यानी इसका कोई माई बाप नहीं था। लोग जीत कर आते थे अपने अपने इलाकों को, अपने अपने गलियों को देखते थे, लेकिन इस रोड पर किसी की भी नज़र नहीं गई। आज 20 साल के बाद इस रोड को बनाया जा रहा है। हमने भी उस रोड का सर्वे किया, हम अपनी तस्वीरों में आपको उस रोड को भी बता रहे हैं। और आइए उन तमाम लोगों से भी बात करते हैं जो मलिक मोमिन के इस काम से बहुत खुश है। इस्लामपुरा भिवंडी में मैं रहने के लिए सन 2000 में आया था, यानी 20 साल पहले, अभी 21वां चल रहा है। जब मैं रहने आया उस वक्त 2020 में हसीन टाकी से लेके खुर्रम अपार्टमेंट और उसके आगे तलक का रोड सन 2000 में बना था, और उसके बाद 20 बरस तलक कोई नगर सेवक इस रोड की खैरियत पूछने नहीं आया। बड़ा ख़राब रोड हो गया, पूरा सत्यानाश कर दिया नगर पालिका और हमारे जूने कारपोरेटर्स ने, लेकिन अभी मलिक मोमिन साहब ने ये काम हाथ में लिया है और यहाँ पर रोड का एकदम नए सिरे से बेहतरीन रोड का काम उन्होंने शुरू किया है। और ड्रेनेज का काम होने के बाद में कुछ दिन हम लोगों को तकलीफ़ हुई ज़्यादा, लेकिन अब जो काम हो रहा है जितना सिस्टमेटिक ढंग से वो करवा रहे हैं, अपनी निगरानी में करवा रहे हैं, हम मुबारकबाद पेश करते हैं। मैं खुद अपनी तरफ से, हमारी बिल्डिंग वालों की तरफ से और मोहल्ले के दीगर लोगों की तरफ से भी मैं उन्हें मुबारकबाद देता हूँ। और मैं उन्हें इस बात के लिए ख़ास तौर से मुबारकबाद देता हूँ कि 20 बरस से जिस रोड पर किसी नगर सेवक की नज़र नहीं गई, उस रोड पर उन्होंने नए सिरे से बनाने का काम शुरू किया है। इससे अंदाज़ा होता है कि अपने वार्ड के विकास काम के लिए कितना फिक्रमंद है वो और कितने अच्छे ढंग से काम कर रहे हैं। हमारी ख्वाहिश है, हमारी दुआएं हैं कि उनको अल्लाह ताला काम करने का इसी तरह का हौसला दे। बहुत बहुत मुबारक हो।